Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about class 10th science question paper 2020. This is the first page of our science paper and here instructions given by the CBSE and time allowed is 3 hours. This question paper divided into 3 sections: section A, section B, section C. सेक्शन ए में मोस्टली वन वर्ड क्वेश्चंस हैं और डिफाइन करने को एक से दो लाइन तक का डेफिनेशन वाले क्वेश्चन इसमें हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन 1, विच ऑयल शुड वी चूज फॉर कुकिंग टू रिमेन हेल्दी। ऐसा कौन सा ऑयल है जिसे हम कुकिंग में यूज करें और हेल्दी रहें। क्वेश्चन 2, डिफाइन द टर्म इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है इसमें। एंड क्वेश्चन 3, आंसर क्वेश्चन नंबर 3A to 3D ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बेसिस पे ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1 था कि कौन से ऑयल का यूज करें ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो इसमें था कि खाना बनाते समय वी शुड यूज ऑलिव ऑयल एंड कैनेला ऑयल फॉर रिमेन हेल्दी। क्वेश्चन 2 में इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना था, तो आंसर क्या है इसका। द करंट इंड्यूस इन कंडक्टिंग लूप इज डैट इज एक्सपोज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द इंड्यूसिंग करंट। इंड्यूसिंग करंट जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस ला दे उसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। क्वेश्चन 3A, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करना है इसमें। क्वेश्चन 3B, व्हाई डिड मेंडलीव्स लीव सम गैप इन पीरियोडिक टेबल। आपने देखा ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स होते हैं, तो वो क्यों छोड़े गए हैं वो बताना है आपको इसमें। एंड क्वेश्चन 3C, इफ लेटर आर वॉज यूज टू रिप्रेजेंट एनी द एलिमेंट इन द ग्रुप देन हाइड्राइड ऑक्साइड ऑफ द कार्बन वुड रिस्पेक्टिवली टू बी रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें आपको बताना है किससे ये रिप्रेजेंट होगा। स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एंड क्वेश्चन 3B, व्हाई डिड मेंडलीव्स लीव सम गैप्स इन पीरियोडिक टेबल। आंसर इज दैट ही लीव गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं है उनके लिए इसने ये गैप्स छोड़ी थी। क्वेश्चन 3C, इफ द लेटर आर वॉज यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप देन द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड ऑफ द कार्बन वुड रिस्पेक्टिवली बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन, RH4 एंड RO2। एंड क्वेश्चन 3, आइसोटॉप्स आर, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्वेश्चन 4, आंसर क्वेश्चन नंबर 4A to 4D ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर छांटने हैं, वैसे ही एक पहले जो 3 वाला था उसी की तरह। क्वेश्चन 4A, स्टेट 2 मेथड ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल। वो मेथड बताने हैं इफेक्टिव वेस्ट कलेक्शन के बारे में जो कि आपके स्कूल में हुआ हो ऐसा। क्वेश्चन 4B, नेम एनी 2 यूजेस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन डेली लाइफ। कोई से भी 2 नेम बताने हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक की हो आपके डेली यूज में। एंड क्वेश्चन 4, इफ वी डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ प्लास्टिक हाउ कैन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइडेड। क्वेश्चन 5, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इसका ऑप्शन B करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ
nuclei of male and female gamete to form a zygote. Question number 6. In the excretory system of human beings, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and water are selectively reabsorbing. हमें तो पता है ये सारी चीजें reabsorb कहाँ होती है, किडनी में. ये सारी चीजों का function कहाँ होता है, किडनी में. तो किडनी का कौन सा पार्ट है यहाँ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेफ्रोन में ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं. देन क्वेश्चन 6 का और में जो पार्ट है वो क्या है? सूडोपोडिया किसे कहते हैं? सूडोपोडिया आर द फोर्स फीड डेवलप इन सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर इंजेशन ऑफ फूड. क्वेश्चन 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ब्लड जो है हमारा वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट करता है. ऑप्शन बी क्या है? ह्यूमन हार्ट हैज 5 चैम्बर. लेकिन ह्यूमन का हार्ट तो 4 चैम्बर्ड होता है. ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी वॉल्व एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक. ऑप्शन सी इज करेक्ट. जो वाल्व्स होते हैं वो ये चीज का ध्यान रखते हैं कि जो ब्लड है वो वापस फ्लो ना हो, बैक फ्लो ना हो ब्लड का. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ऑप्शन ए एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. दिस इज करेक्ट. ऑप्शन बी द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज बम्बार्ड विद हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स. दिस इज रॉन्ग. सो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑप्शन वाला क्वेश्चन 8 का क्या है? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सर्फेस इज. ऑप्शन ए बायोमास. ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन. हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट. सोलर रेडिएशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन से ही प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, फिर उससे जो खाते हैं उनको एनर्जी मिलती है. सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सोलर रेडिएशन. क्वेश्चन 9. इफ अ पर्सन हैज 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय द कनेक्टिंग दैम इज. हमने क्या किया? 5 टाइम 1/5 ओम को प्लस कर दिया, फिर हमें मिला 5/5, फिर ये 5 से 5 कट गया और मिला 1 ओम. तो आंसर इज 1 ओम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन डूइंग सो. इफ अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज द हीट इफेक्ट इन द रजिस्टेंस विल बिकम. इसका ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज 2 times. ऑप्शन ए इज करेक्ट. डबल हो जाएगा रजिस्टेंस. क्वेश्चन 10. Fleming's right hand rule gives direction of inducing current. So option C is correct. Then question 10. How much of the net primary productivity of the terrestrial ecosystem is eaten or digested by herbivores? तो इसका आंसर है B. Option B is correct. 10%. क्वेश्चन नंबर 12. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए जोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. 3 एटम ऑक्सीजन के मिलते हैं तब जोन का मॉलिक्यूल बनता है. तो ये करेक्ट है. जोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. जो हमारा अर्थ है उसको जोन ही
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, जोन इज डेडली पॉइजनस, जोन एक पॉइजनस गैस है, ये भी करेक्ट है। फिर जोन गेट डिकम्पोज्ड बाय यूवी रेडिएशन, जोन यूवी रेडिएशन से डिकम्पोज हो जाता है, नो दिस इज रॉन्ग आंसर, सो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13 और 14 assertion और रीजनिंग वाले हैं, तो चलिए करते हैं। assertion, द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यस करेक्ट, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल ही है। फिर रीजन क्या है, इन दिस रिएक्शन HCl is reduced to Cl2 और whereas MnO2 is oxidized to MnCl2, हाँ ये भी करेक्ट है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है बेसिकली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही होती हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, assertion, विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ एन बर्ड आर एनालोगस organ। एनालोगस organ क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। एनालोगस organs आर बेसिकली हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजन। सो इसमें भी यही है कि सिमिलर फंक्शन है दोनों के विंग्स का, दोनों ही फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंट ओरिजन है। रीजन, द ऑर्गन विच आर क्वाइट डिफरेंट इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर और ओरिजन बट परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट स्पीसीज आर कॉल्ड एनालॉग्स। एनालॉग्स वो होते हैं जो सिमिलर फंक्शन करते हैं लेकिन डिफरेंट ओरिजन होता है उन ऑर्गन्स का। सो assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट।